नमस्कार, आप देख रहे हैं RRN न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। चांपा की दो ईमानदार बेटियों ने पुलिस के सामने लौटाया किसान का 2,24,500 रुपए से भरा थैला। बता दें कि 18 फरवरी 2022 को ग्राम पासी थाना शक्ति निवासी किसान जीवनलाल राठौर धान विक्रय की राशि 2,24,500 रुपए को थैले में रखकर KCC लोन जमा करने यूनियन बैंक चांपा जा रहा था। रेलवे ओवर ब्रिज क्रॉस करने के दौरान ओवर ब्रिज के पास रुपयों से भरा थैला गिर गया, जिसकी सूचना चांपा थाने को दी गई। पुलिस द्वारा ओवर ब्रिज के नीचे जवाहर पारा चांपा एवं आसपास के लोगों से पता करने के दौरान दो बालिकाओं शेफाली कर्ष सुलोचना महंत ने स्वतः आकर बताया कि उन्हें रुपयों से भरा थैला मिला है, जिसे थाने लाकर बालिकाओं ने पुलिस के सामने किसान जीवनलाल राठौर को लौटा दिया। उक्त दोनों बालिकाओं की ईमानदारी से प्रसन्न किसान जीवनलाल राठौर ने 10,000 रुपए दिए। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव एवं SDOP चांपा पद्मश्री तंवर के निर्देश पर चांपा थाना प्रभारी मनीष सिंह परिहार ने भी बालिकाओं को उपहार देकर प्रोत्साहित किया और भविष्य में भी इसी प्रकार नेक कार्य करने और पुलिस का सहयोग करने की अपील की। दिनांक 18/2/2022 को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पासीद थाना शक्ति क्षेत्र का निवासी किसान जीवनलाल राठौर, जो कि अपने यहाँ बैंक से पैसा निकालकर अपना KCC का जो लोन है वो पटाने हेतु यूनियन बैंक चांपा आ रहा था, इस दौरान मोटरसाइकिल में रखा हुआ थैला, जो कि चांपा के ही समीप ओवरब्रिज के समीप वहीं आसपास गिर गया, इस बात की सूचना उसके द्वारा थाने में दी गई। इसमें तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया एवं उनसे दिशा निर्देश प्राप्त कर मार्गदर्शन प्राप्त कर टीम को रवाना किया गया। लगातार आसपास के लोगों से इस संबंध में जानकारी ली गई, जिससे दो बच्चियों को मिलने की जानकारी प्राप्त हुई। उन बच्चियों से इस संबंध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा स्वतः बताया गया कि उन्हें एक पैसे से भरा हुआ एक थैला मिला है और उनके द्वारा उक्त थैला जो बच्चियां हैं शेफाली कर्ष व सुलोचना महंत द्वारा उक्त पैसा थाने में लाकर उक्त किसान को वापस किया गया है। उन बच्चियों के द्वारा गुड सिमिटेरियन होने का परिचय दिया गया, जिससे पुलिस अधीक्षक महोदय ने उन्हें पुरस्कृत भी किया है एवं उक्त किसान के द्वारा भी उन्हें 10,000 रुपये की राशि देकर पुरस्कृत किया गया है। वह पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उक्त बच्चियों को समझाइश दी गई व उन्हें उनसे अपील की गई कि भविष्य में भी लगातार ऐसे ही पुलिस का वो सहयोग करते रहें।